today we will see about the origin and evolution of life. Origin and evolution of life मध्ये तुम्हाला हा टॉपिक मॉडर्न सिंथेटिक थिअरी ऑफ इव्होल्यूशन आहे. मॉडर्न सिंथेटिक थिअरी ऑफ इव्होल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशन थिअरी ऑफ म्यूटेशन एंड थिअरी ऑफ नैचुरल सिलेक्शन. डार्विन्स थिअरी ऑफ नैचुरल सिलेक्शन आणि थिअरी ऑफ म्यूटेशन इज द थिअरी ऑफ ह्युगो डी राइस. दिस इज द थिअरी ऑफ ह्युगो डी राइस एंड नैचुरल सिलेक्शन इज द थिअरी ऑफ डार्विन. ठीक आहे, तर नॅचरल सिलेक्शन आणि म्युटेशन ही दोनों थेरी मिलकर मॉडर्न सिंथेटिक थेरी इवॉल्व की गई है. ठीक है, तो इस थेरी में एफ फिशर, हल्डेन, डॉब्सेंस्की, हक्सले, मेयर, सिम्पसन, स्टेबिन्स, फिशर, ये है एफ आई एस सी एच या फिशर एंड दिस इज द फिशर. सिविल राइट, मेंडेल एंड मॉर्गन. दीज आर द main contributors of modern synthetic theory of evolution. तर ये जो सभी साइंटिस्ट हैं इन सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में था. ठीक है, तो इनमें से जो स्टेबिन नाम का जो साइंटिस्ट था, स्टेबिन्स, इन्होंने एक बुक लिखी थी इस बुक में उन्होंने 5 की फैक्टर्स इसमें 5 की फैक्टर्स इवोल्यूशन के 5 की फैक्टर्स डिस्कस किए थे. वो 5 की फैक्टर्स कौन से हैं? जैसे कि जीन म्यूटेशन, नंबर 2 म्यूटेशन इन क्रोमोसोम एंड म्यूटेशन इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर. ठीक, थर्ड वन इज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन.
नंबर 4 नेचुरल सिलेक्शन। एंड नंबर 5 रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस। ठीक है, कि म्यूटेशन कैसे होता है, जीन का म्यूटेशन कैसे होता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और नंबर में कैसे म्यूटेशन होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है, जीन्स कैसे रिकम्बाइन होते हैं, नेचर किसे सिलेक्ट करता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये जो P5 की फैक्टर्स है ये स्टेबिन ने उनके बुक में डिस्कस किए थे, तो इन सभी को हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या होता है। व्हाट इज मेंडेलियन पॉपुलेशन? ठीक है, मेंडेलियन पॉपुलेशन से पहले हम लोग पॉपुलेशन वर्ड का मतलब जान लेते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन मतलब क्या, व्हाट इज पॉपुलेशन? तो इसकी डेफिनेशन होगी ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज All individuals of the same species constitute a population. ठीक है ना, मतलब सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी ह्यूमन बींग्स एक ही स्पीसीज को बिलोंग करते हैं और उसे ह्यूमन बींग का पॉपुलेशन बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डॉग पॉपुलेशन है ना, ऑल द डॉग्स ऑफ सेम स्पीसीज कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन, मतलब एक ही स्पीसीज से रिलेटेड जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे, फिर वो ह्यूमन बीइंग हो, डॉग हो, कैट फैमिली हो, या फिर कोई भी अदर एनिमल हो जो सेम स्पीसीज को बिलोंग करता है, दैट कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। जैसे ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन। ठीक है ना, अब हम देखते हैं मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या है। मेंडेलियन पॉपुलेशन, तो जो पॉपुलेशंस पॉपुलेशन जो होता है वो ग्रुप में पॉपुलेशन ऑकर इन स्मॉल ग्रुप। ठीक है ना, पॉपुलेशन स्मॉल ग्रुप में प्रेजेंट होता है और इन्हें बोलते हैं इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। इन्हें क्या बोलेंगे? इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। और ऐसे ही जो स्मॉल ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है दैट रेफर्ड एज मेंडेलियन पॉपुलेशन। दीज सच स्मॉल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन
is called Mendelian population. तो समझ में आ गया, सेम स्पीसीज को बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये पॉपुलेशन स्मॉल ग्रुप में होता है जो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन कहलाता है। ऐसे ही इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, जो छोटा स्मॉल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है, उसे मेंडेलियन पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे पी फैमिली, एग्जाम्पल पी फैमिली है ना, पी प्लांट्स आर द ऑल द पी प्लांट्स आर बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, पाइसम सटाइवम है ना, सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। और इसी सेम स्पीसीज के जो पी फैमिली के सभी इंडिविजुअल है, वो एक पॉपुलेशन होता है, जो एक छोटा सा ग्रुप है, इंटरब्रीडिंग ग्रुप है। ऐसे स्मॉल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन को मेंडेलियन पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जीन पूल के बारे में। तो जीन पूल क्या है? सम टोटल ऑफ जीन्स, सम टोटल ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जीन पूल। इसे जीन पूल कहेंगे। मतलब क्या? सिंपली इसे और दूसरी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम? जीन पूल मीन्स means the total number of genes of all individuals in a population इसे कहेंगे हम जीन पूल। मतलब पॉपुलेशन में जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स है सभी इंडिविजुअल्स के। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, अभी इसमें ये सब मैं यहाँ पे इंडिविजुअल्स बना रही हूँ, ये सारे इंडिविजुअल्स हैं, और इन इंडिविजुअल्स के जो जीन्स है, मतलब इस इंडिविजुअल का जीन, इसका इसका कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे। तो इन सभी इंडिविजुअल के जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स है, इन सभी के टोटल है ना, इनमें जो प्रेजेंट है, जितने जीन्स प्रेजेंट है, दीज टोटल नंबर ऑफ जीन्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन कॉल्ड जीन पूल। तो ये क्या हो गया? जीन पूल हो गया। ठीक है, अब जीन पूल को अफेक्ट करने के लिए, जीन पूल इज अफेक्टेड बाय, जीन पूल किससे अफेक्टेड होता है? तो एक तो माइग्रेशन, ठीक है, एक तो माइग्रेशन या फिर रिप्लेसमेंट। हियर माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इफेक्टिवली अल्टर्स जीन पूल है ना। मतलब कैसे कि दिस इज़ द सेकेंड पॉपुलेशन, यहाँ से ये एक पॉपुलेशन हो गया और एक पॉपुलेशन हो गया, तो यहाँ से अगर इधर कोई माइग्रेट कर रहा है या इधर से इधर माइग्रेट कर रहा है, इमिग्रेशन कर रहा है या एमिग्रेशन कर रहा है, ठीक है ना, मतलब एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में अगर आता है तो क्या होगा कि यहाँ से अगर एक इंडिविजुअल यहाँ पर आता है तो क्या हो गया, जीन पूल अफेक्ट होगा ना, टोटल नंबर ऑफ जीन्स बढ़ जाएंगे और इस पॉपुलेशन के टोटल नंबर ऑफ जीन्स घट जाएंगे। मींस माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इफेक्टिवली अल्टर्स जीन पूल। समझ में आ गया। और दूसरा है रिप्लेसमेंट, मींस
Second one is the replacement of one generation by another. अगर replacement होती है, for example कि इस population में किसी की death हो जाती है, या इस population में किसी का birth हो जाता है, birth या death कुछ भी हो सकता है, तो death हो गई तो क्या हो गया, वहाँ से वो individual remove हो गया, और birth हो गया तो क्या हो गया, individual उस population में add हो गया, है ना। मतलब replacement of one generation, generation अगर replaced हो रही है birth होकर, तो population में जो total number of genes है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, मतलब gene pool इससे भी affected हो सकता है। दस इस तरह से कोई भी चेंज जीन पूल को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं जीन फ्रीक्वेंसी क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे जीन्स अरेंज होते हैं इस तरह से। ये कैसे अरेंज किए गए हैं, लीनियरली। सो यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जीन्स आर अरेंज्ड लीनियरली ऑन क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम पे वो लीनियरली प्रेजेंट होते हैं, और हर जीन की एक डेफिनाइट पोजीशन होती है। सो हम बोलेंगे हैविंग डेफिनाइट पोजीशन। डिफिनाइट पोजीशन पे ये सब जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इतना समझ में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू मेंडेल के अनुसार क्या होगा कि एवरी जीन इन्फ्लुएंसेस बाय टू ट्रेट्स। Every genes that influences trait, सभी जीन जो trait को influence करते हैं, these trait has two alleles। समझ में आ गया, genes किसे influence करता है, trait को, जैसे हाइट ऑफ जीन है, हाइट और ट्रेट, हाइट के ट्रेट क्या होंगे, टॉल डॉर्फ, तो टॉल और डॉर्फ के लिए दो अलील्स आवश्यक हैं। समझ में आ गया ना, एवरी जीन्स दैट इन्फ्लुएंसेस ट्रेट हैज टू अलील्स। तो ये जो अलील्स है, ये अलील्स क्या है, अलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स, या इन्हें हम लोग दीज आर द वेरिएंट ऑफ जीन ऐसे भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग जीन के वेरिएंट भी बोल सकते हैं, और वेरिएंट ऑफ अ जीन, एक जीन का वेरिएंट भी बोल सकते हैं, या जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स भी बोल सकते हैं, है ना, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। टी के लिए कौन सा ट्रेट होगा, टॉल, और इस टी के लिए कौन सा ट्रेट होगा, डॉर्फ, और ये दोनों भी ट्रेट कौन सा जीन डिस्क्राइब करते हैं, हाइट का जीन डिस्क्राइब करते हैं। समझ में आ गया ना, ये हो गए ट्रेट। तो ऐसा जीन
जो ट्रेट को इन्फ्लुएंस करता है, इस ट्रेट के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं या दो अल्टरनेटिव अलील्स होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हमें देखना है कि जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो जीन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जीन फ्रीक्वेंसी मींस प्रपोर्शन, एक प्रकार का प्रपोर्शन है जीन फ्रीक्वेंसी। प्रपोर्शन है किसका, प्रपोर्शन है प्रपोर्शन ऑफ एन अलील। ऑफ एन अलील या फिर बोल सकते प्रपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अलील, ऐसे बोलेंगे, प्रपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अलील एट सेम लोकस। लोकस है ना लोकेशन, तो ये किसका प्रपोर्शन, प्रपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अलील एट सेम लोकस टू टोटल नंबर ऑफ अलील, टोटल नंबर ऑफ अलील इन अ जीन पूल। मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला लिखते समय हम ऐसे लिखेंगे, जीन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अलील एट सेम लोकस। ठीक है, और नीचे लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ अलील इन अ जीन पूल। जीन पूल में जो टोटल नंबर ऑफ अलील है इनटू 100। ठीक है ना, तो ये हो गया फॉर्मूला। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसके लिए देखते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए फिर से डेफिनेशन, जीन फ्रीक्वेंसी इज़ द प्रपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अलील एट सेम लोकस टू टोटल नंबर ऑफ अलील इन अ जीन पूल। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है ना, दिस इज़ द जीन पूल, पॉपुलेशन का जीन पूल है। इसमें मैंने 6 इंडिविजुअल दिखाए, 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 इंडिविजुअल में जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम पे सेम लोकेशन दिखाया है, सेम लोकेशन है ना, सेम लोकस। तो ये जो सेम लोकस है ये इस लोकेशन पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सपोज़ इन इसमें इस जीन पूल में टोटल नंबर ऑफ अलील हो गए 12, है ना, टोटल नंबर ऑफ अलील हो गए 12। अगर हमको जीन की फ्रीक्वेंसी निकालना है, कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो हमें गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 7 मींस नंबर ऑफ अलील एट द सेम लोकस। तो नंबर ऑफ अलील एट द सेम लोकस मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है उसके, उसका नंबर यहाँ पे लिखना होगा, और टोटल नंबर हो रहा है 12 तो वो यहाँ पे लिखना होगा। इस तरह से जीन फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। तो जीन फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गई, जीन फ्रीक्वेंसी इज़ द प्रपोर्शन, एक प्रपोर्शन है कि टोटल जो
टोटल नंबर ऑफ अलील जो होते हैं जीन पूल में, उससे जो नंबर ऑफ अलील्स है उसका प्रोपोर्शन निकालना, तो दैट इज़ द जीन फ्रीक्वेंसी, है ना। मतलब जीन पूल में जो टोटल नंबर ऑफ अलील्स है उसमें से पर्टिकुलर अलील का प्रोपोर्शन तय करना, पर्टिकुलर अलील। जैसे यहाँ पे मैंने कैपिटल टी के बारे में बोला, वैसे स्मॉल टी का भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो स्मॉल टी कितने, 1, 2, 3, 4 है टोटल नंबर ऑफ, ये स्मॉल टी के लिए हो गया, कैपिटल टी के लिए हो गया। तो स्मॉल टी टोटल नंबर ऑफ अलील्स तो पता ही है 12 है, और स्मॉल टी कितने हैं 4, तो प्रोपोर्शन हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा, 8 सॉरी। तो इस तरह से ये जीन फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। जीन फ्रीक्वेंसी मतलब प्रोपोर्शन, किसका प्रोपोर्शन, जो नंबर ऑफ अलील्स प्रेजेंट है सेम लोकस पे और टोटल नंबर ऑफ अलील्स जो जीन पूल में, इन दोनों का प्रोपोर्शन निकालना, यानी जीन फ्रीक्वेंसी। तो समझ में आ गया जीन फ्रीक्वेंसी क्या है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के 5 की फैक्टर्स हमने देखे थे। 5 की फैक्टर्स में जैसे हम लोगों ने म्यूटेशन, इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर नंबर, ये सब कुछ हमने, ये 5 की फैक्टर्स शुरुआत में मैंने बताए थे, जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर नंबर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो ये जो 5 की फैक्टर्स है ना, ये 5 की फैक्टर्स ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 मेन कंसेप्ट, इन्हें ही 3 मेन कंसेप्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो 3 मेन कंसेप्ट कौन से, वो देखते हैं। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कंप्राइजेस 5 मेन फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स हमने देखे जे विच इज़ डिवाइडेड इंटू 3 मेन कंसेप्ट। ये 3 मेन कंसेप्ट है, जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, आइसोलेशन। आइसोलेशन जेनेटिक वेरिएशन में म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, माइग्रेशन, ये फैक्टर्स डाले गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्या है, द चेंज इन जीन, जीन्स में चेंज होना एंड जीन फ्रीक्वेंसीज में चेंज होना। इसे बोला जाएगा नोन एज जेनेटिक वेरिएशन। अगर जीन्स में चेंज होते हैं या जीन फ्रीक्वेंसीज में चेंज होते हैं तो दैट इज कॉल्ड जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है ना। तो जेनेटिक वेरिएशन के लिए कुछ फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं, तो उन फैक्टर्स के बारे में हम देखते हैं। नंबर 1, जीन म्यूटेशन। ठीक है, तो ये जो जीन म्यूटेशन है, इसकी डेफिनेशन, सडन परमानेंट, टेम्पररी नहीं है, मतलब अचानक परमानेंट हेरिटेबल चेंज होता है। हेरिटेबल यानी अनुवांशिक, सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज इट्स कॉल्ड म्यूटेशन, इसे बोलते हैं म्यूटेशन। अचानक परमानेंट हेरिटेबल अनुवांशिक चेंज हो जाना मतलब म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन कैन ऑकर इन जीन, इन क्रोमोसोम। म्यूटेशन जीन में भी होता है, क्रोमोसोम में भी होता है, और क्रोमोसोम नंबर में भी होता है, ठीक है ना। म्यूटेशन कहाँ कहाँ होता है, जीन में, क्रोमोसोम में, या क्रोमोसोम नंबर में होता है, ठीक है। अगर म्यूटेशन अगर सिंगल जीन
If mutation occur in single gene, अगर mutation single gene में होता है तो उसे कहेंगे हम point mutation. या फिर इसे कहेंगे हम जीन म्यूटेशन. समझ में आ गया? म्यूटेशन अगर कहाँ होता है, सिंगल जीन में, एक ही जीन में अगर होता है तो उसे बोलेंगे हम जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन. ठीक है. देन अगर ऐसा म्यूटेशन होता है सो इट लीड्स टू चेंज इन, म्यूटेशन हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से किस में चेंज आएगा, चेंज इन फिनोटाइप. ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में चेंज आएगा. फिनोटाइप यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस, याद होगा आपको, मतलब बाहर से कैसे दिखता है ऑर्गेनिज्म. मतलब म्यूटेशन अगर होता है तो बाहर से भी कुछ ना कुछ चेंज दिखाई देंगे, और ऐसे अगर ये चेंज होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, इट कॉज वेरिएशन. तो इसकी वजह से क्या होगा, वेरिएशन यानी छोटा छोटा जो चेंज होता है, जो माइन्यूट ऐसा चेंज दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन, एंड दिस वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन. समझ में आ गया? तो हमने क्या देखा जीन म्यूटेशन में, जीन म्यूटेशन सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज है ना, वो कहाँ कहाँ होता है, जीन में, क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम नंबर में. अगर म्यूटेशन सिंगल जीन में होता है तो उसे जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे. इस तरह के म्यूटेशन से कहाँ चेंज आता है, ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस में चेंज आता है, और ऐसा चेंज क्या कॉज करता है, वेरिएशन, एंड वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन.